हाजिर हैं ज़बरदस्ती नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ के जी चिकन। ये हड्डी वाला गोश्त है जिसको मैं तकरीबन 50% तक फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल भी इसको हमने रोस्ट नहीं कर लेना है और बहुत कच्चा भी नहीं रखना है। 50% तक हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर उसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने अपने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर हम अपनी भिंडी को काट के फ्राई कर लेंगे। भिंडी डालने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे और उस भिंडी को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। जी, तो भिंडी को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। हमने इसको बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये आपस में चिपकना छोड़ दे, हमने इसका कलर चेंज होने नहीं देना। अब हम इसको निकाल देंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। भिंडी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे हमने अपनी भिंडी और चिकन को फ्राई करके अलग अलग से रख लिया है। यहाँ पे हमने ले लिए 2 छोटे साइज़ के प्याज। इनको सिर्फ हमने हल्का सा सौते करना है कि ये हल्के हल्के नरम हो जाए। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का सा हमने इनको नरम होने तक सिर्फ फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरीके से नरम हो चुके हैं, इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं 1 अदद कटा हुआ टमाटर और 2 अदद सब्ज़ मिर्ची। टमाटर और सब्ज़ मिर्ची डालने के बाद साथ ही हम इसमें अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। भिंडियों के लिए तमाम चीज़ें खड़े मसाले की तरह ही अच्छी लगती हैं, इनको बहुत ज़्यादा नरम करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही प्याज को ना ही टमाटर को। और भिंडी भी अपनी साबुत हालत में रहे तो बहुत अच्छी लगती है। इनको 1 से 2 मिनट हम मिक्स करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर अपना फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक को डाले हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब उनकी स्मेल बिल्कुल से ख़त्म होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना रोस्टेड चिकन शामिल करेंगे। चिकन डालकर हमने इसको एक अच्छा सा मिक्स दे लिया है। अब हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे बिल्कुल ही लाइट फ्लेम के ऊपर, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। चिकन को ढककर पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम अपने शामिल करने जा रहे हैं स्पाइसेस, जिसमें हमने ले लिया है नमक, सूख मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला। इनको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स और इसके बाद हम इसको ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और मुसलसल बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे। भिंडियाँ बिल्कुल एंड पे शामिल करेंगे ताकि भिंडी खड़ी खड़ी रहे। अगर भिंडियाँ भी स्टेज पे शामिल कर देंगे तो भिंडी क्योंकि पहले ही फ्राई हुई हुई है और है भी बिल्कुल फ्रेश, तो वो उसके टूटने का डर। चिकन और तमाम मसालों को भूनते हुए तकरीबन 3 से 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया। इस स्टेज पर हम इसके अंदर अपनी फ्राई की हुई भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत देर के लिए नहीं पकाना, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। जी, तो भिंडी शामिल करके हम इसको 2 से 3 अच्छे से मिक्स लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल के फ्लेम ऑफ करके इसको दम पे रख देंगे। जी, तो ये देखिए व्यूअर्स, भिंडी को शामिल करने के बाद हमने 2 से 3 अच्छे मिक्स दे लिए हैं। अब इस स्टेज पर हम इस पर गरम मसाला डालेंगे और अपनी फ्लेम ऑफ करके इसको दम पे लगा देंगे। मज़ेदार सी भिंडी गोश्त बनके बिल्कुल तैयार है और ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत क्विक, बहुत ईजी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।